चाहे <laughs> दुनिया जो भी बोले जो भी, हाँ, भी बोले हैशटैग तो चला था ना था। हाँ तो अब जो भी बोले दुनिया क्लोज क्लोज ले या नहीं ले हैशटैग तो चला था सो आई थिंक दैट्स एन अचीवमेंट अच्छा आर यू द काइंड ऑफ जो आपकी जनरेशन है आपकी एज ग्रुप के जो लोग हैं ये लोग सारे क्या शादी के बारे में क्या सोचते हैं जब ग्रो अप कर रहे होते हैं तो शादी का ख्याल आता है या यू नो लॉन्गर इन द फेंटेसी वर्ल्ड एंड करियर एंड वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं अब ये भी बड़ी एक पर्सनल जर्नी वाली बात है आई डोंट थिंक हर किसी को एक ही सांचे में ढाला जा सकता है बट आई थिंक आपका आपके क्या था? मेरा ये था बिकॉज आई नेवर सीन अ फादर फिगर दैट मच इन माय लाइफ आई सीन अ फादर फिगर बहुत पहले सो यू नो दैट मैन दैट टेक्स केयर ऑफ यू एंड एवरीथिंग सो आई डेंट हैव दैट बिकॉज आई टुक केयर ऑफ एवरीथिंग सो एट सम पॉइंट आई वॉन्टेड समबड़ी टू बी दैट फिगर फॉर मी हुक केयर ऑफ एवरी थिंग एंड यू नो बी देअर फॉर मी एंड यू नो मर्द you no, know Um, but at the same time I was the muchal like how will you walk by me you know so I was always confused where I was like maybe I'll never settle down maybe I'll never oh God. That. but um, um, but ये तो but, ये तो बहुत ही interesting point आपने बताया ये तो मैंने सोच ही नहीं था maybe I'm not dependent on anyone but then you are also not dependent on

मैं uh, मैं हमेशा दोस्तों यार बॉयफ्रेंड कितना फिट होती <laughs> मुझे सब ख्याल ख्याल रखना आता मुझे सब पता तो 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 फिर आप आप गर्लफ्रेंड या या भी भी, भी तो, या मंगेतर भी तो बहुत बहुत अच्छी होंगी रखती अगले बिगड़ जाते हैं तो, लगता है बड़ा पैंपर करती होंगी आप हाँ तो

पहले बताएं फिर उसमें दोबारा आते हैं दो तीन चीजें मैंने की हुई हैं जो कि मुझे भूलती नहीं है मैं करती रहती थी छोटी हाँ। छोटी चीजें जो कि बड़ी क्यूट सरप्राइजेस दिस डैट सब सोचती मैं कहती थिंकिंग एक्सपेंसिव प्रेजेंट दिस हाँ।

समटाइम्स आप दोनों का वक्त नहीं होता है इकट्ठे होने का या यूर नॉट गुड फॉर इच अदर सो जब आपको फील होना कि यह नहीं चल रहा प्लीज लेट थिंग्स गो बिकॉज समटाइम्स इट जस्ट नॉट फॉर यू एंड सेकेंडली जब आपको किसी ने दिल दुखाया और ना चला और ख़त्म हो गया यू शुड ऑलवेज टेल योर सेल्फ दैट देर समथिंग बेटर आउट देयर फॉर यू एंड नॉट सेल योर सेल्फ शॉर्ट यू नो ऑलवेज नो योर वर्थ वेन यू डोंट नो योर वर्थ दैन यू सेटल फॉर

हाँ मैंने बिल्कुल सीखी है बात आई वॉज अ गिवर आई आई स्टिल एम अ गिवर बट मैंने पहले भी बात की हुई है कि मैं हमेशा बोती आई नवर पुट माई सेल्फ फर्स्ट बिकॉज ऑफ माई द वे आई ग्रू अपज आई यू ओके इज एवरी थिंग फाइन वट यू नीड यू नीड एंड फोन यू वॉन्ट एडवाइज आई was ऑलवेज लाइक दैट विद my फ्रेंड्स एज वेल मैं दोस्तों के साथ भी ऐसे ही होती थी सो बिकॉज ऑफ दैट दैट

of my work as if के ये मेरा काम है मुझे इसको इम्पोर्टेंस देनी है या ये मेरा दिल है मुझे इसका ख्याल रखना है या ये मेरी बॉडी हैव टू टेक केयर ऑफ इट आई आई कुड नेवर थिंक लाइक दैट आई लाइक आपको ये चाहिए आपके लिए कर दूँ यू नो लाइक दैट सो आफकोर्स आई लर्न फ्राम माई आई वे मिसटेक्स आई आई सी एक्सपीरियंसिस एंड बिकॉज आई आई लिव दैम एंड आईव लव्ड सम ऑफ दैम and आई do not regret any part of

पता नहीं, नहीं like, नहीं kind of like, बहुत एक होगी हाँ. ना हो रहा। But, मुझे लगता है क्यों नहीं कर you like somebody. अगर आपको लग रहा है उधर से भी थोड़ी बहुत ऐसी आ रही है तो कर, कर सकते हैं कर देना चाहिए मजा आएगा मैं तो बस अपने बारे में हाँ। कर रही हूँ लड़कियों लड़का यू टू डू लेना चाहिए बट इन माय केस आई इफ I don't know. Will you be scared of being judged आई No, बिंग जस्ट अराउंड यू और बाई नो नो आई वेट bold. है इसको बेशरम है खुद अपना शादी ये है, कोई तो बहुत कोई बात सुनना नहीं पड़ता, नहीं है। पड़ता है ना हाँ बेषा हाँ। ये कोई बात नहीं है इसमें बट जो दिल किया उस टाइम पे देख ये, लेंगे ये, ये, थोड़ी सी ना वाली हानी, अंदर से उठी और बोला सोच के जवाब देते नहीं, नहीं, बोलते नहीं बोलते नहीं क्योंकि मैं असल में खुद कन्फ्यूज हूँ मैं जब भी इंटरव्यू देती हूँ मुझे डर इसलिए लगता है क्योंकि मैं बहुत अनफिल्टर्ड होती हूँ हु। मुझसे मैं मैं अगर अभी झूठ बोलना शुरू करूंगी ना आप मुझे पकड़ लेंगी मुझसे नहीं बोला मैंने मैंने मेरी जैसे कहा कहा ना वो मुझे हमेशा उन्होंने कि बता देना जो भी किया yeah. तो मुझे झूठ बोलने की आदत कभी yeah. आई नहीं yeah. तो मैं जब भी इंटरव्यू में कोई ऐसी बात हो रही होती है ना जो मैंने झूठ बोलना पड़ता है तो मेरी शक्ल प्यारा होता है की मैं यूँ हो जाती हूँ yeah. जी जी नहीं नहीं हाँ मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया मैं बिल्कुल वो हो जाती हूँ सो आई एक्चुअली डोंट नो कि क्या होगा बट इट्स नाइस टू बी लव्ड by somebody like that good yeah. yeah. gestures kare, yeah. uh, bare bare, you know yeah. uh, and it's also nice to express yeah. so i think you're only comfortable expressing for people and i would only be comfortable expressing for somebody who i know is with me for good and who i know ki likes me for me okay and That's interesting, you know yeah. that when you feel comfortable mm -hmm. with somebody yeah. um, सो या इसीलिए आप अपने दोस्तों के साथ साथ आप बहुत कंफर्टेबल होते हैं आप कुछ भी कह देते हैं कुछ भी कर देते हैं और hmm. रो भी पड़ते हैं किसी भी बात पे यू नो सो आई थिंक फॉर अ पार्टनर हु वुड वुड हु एक्चुअली मेक मी फील लाइक या आई एम 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 आई 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 गुड लव्ड अप्रिशिएटेड वुड नॉट वेस्ट अ सेकंड टू डू एनीथिंग फॉर देम बट या कहीं मुझे फीलिंग आई कि तुम कुछ समझ नहीं आ रहे सो आई विल लाइक नहीं आई हैव अ वेरी गुड बैलेंस बिटवीन ये मैं उस दिन सोच रही थी इसलिए मुझे अचानक से आया कि I am very sensitive when it comes to a lot of things, but then I also have this nickel attitude. Yeah. You know, where I will cry about something for a week and then suddenly <laughs> I'll be like, why am I crying? Nickel. <laughs> nickel. Make your strong Is it that easy Ania? I am not saying I won't cry about anything. Yeah. I would I am very sensitive and I'm very, very emotional. But I put it.

एक बिल में क्यों चली जाती हो तुम हुँ. तुम अकेले क्यों हो जाती हो आइसोलेट क्यों हो जाती हो निकलो बात करो